चीन का एक कदम, बीजेपी को कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर तनकीद का एक और मौका मिल गया। दरअसल चीन ने ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना का इस्तेमाल करते हुए भारतीय वजीर आजम की ऑफिशियल वेबसाइट ब्लॉक कर दी है, जिससे भारतीय बौखला गए हैं। दूसरा ये कि चीन ने राहुल गांधी की वेबसाइट को ब्लॉक नहीं किया, जिस पर बीजेपी का कांग्रेस रहनुमा पर तनकीदी वार जारी है। ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना का बताते चलें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए चीन गैर मुल्की वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकता है जो चीन के खिलाफ काम कर रही हों। दरअसल चीन एक ऐसा मुल्क है जिसे मगरिब की तरफ से शुरू से ही एक सोने की चिड़िया तसव्वुर किया जाता था, जबकि हिंदुस्तान और चीन मगरिब के लिए एक ख़जाना थे। इन दोनों मुल्कों को मगरिब ने खूब लूटा, लेकिन जब से चीन आज़ाद हुआ है, चीन ने तब से लेकर अब तक किसी मुल्क को अपने मुल्क में तांग झांक की इजाज़त नहीं दी। यही वजह है कि चीन जिसे समझता है, जो चीज़ चीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो उसे ब्लॉक कर देता है। शायद यही वजह है कि भारत के झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से चीन ने मोदी की वेबसाइट को ब्लॉक किया है, जिससे भारत पागल हो गया है। जबकि इसके अलावा भारत ने यह भी प्रोपेगेंडा करना शुरू किया है कि सिर्फ चीन ने नहीं बल्कि भारत ने भी चीनी कमांडर को पकड़ा है, जिसकी चीन ने सख्ती से तर्दीद की है।